गांधी जी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में अजीम प्रेम जी फाउंडेशन द्वारा कसरावत के उत्कृष्ट हाई सेकेंडरी स्कूल में एक फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें गांधी जी के जीवन से जुड़ी लगभग 100 फोटो की प्रदर्शनी लगाई गई। यह फोटो गांधी म्यूजियम नई दिल्ली द्वारा तैयार किए गए अजीम प्रेम जी फाउंडेशन से शफीक खान ने बताया, इस तरह की प्रदर्शनी में बच्चों ने फोटो और टेक्स्ट के माध्यम से गांधी जी के बारे में बहुत सी जानकारी हासिल की। वहीं विद्यालय के प्राचार्य श्री अनिल शर्मा ने बताया कि गांधी जी के आदर्शों को आज की पीढ़ी के युवाओं को जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि गांधी जी का जीवन दर्शन विश्व के महानतम जीवन दर्शनों में से एक है, इसलिए छात्रों को जानना बेहद जरूरी है। छात्रों में भी प्रदर्शनी को लेकर उत्साह का माहौल दिखा। गुरुओं के बारे में पता चला हमें। आश्चर्य हुआ आपको कि हमारे देश में इस तरीके से आंदोलन होते थे? हाँ, कुछ नई जानकारियां हासिल हुई आपको? हाँ। जी, ये अजीम प्रेम जी फाउंडेशन के द्वारा ये प्रदर्शनी लगाई गई है। जैसा आप लोग जानते हैं कि इस साल गांधी जी की 150वीं जयंती मनाई जा रही है, और स्कूलों में भी ये निर्देश प्राप्त हुए हैं कि इस तरह के आयोजन गांधी जी के ऊपर किए जाए। हम लोगों ने आदरणीय शर्मा सर से संपर्क किया और हमने ये सुझाव रखा कि क्या हम आपके स्कूल में इस तरह की प्रदर्शनी लगा सकते हैं। तो हायर सेकेंडरी के बच्चों के लिए हम लोगों ने गांधी जी के जीवन पर आधारित ये करीब 100 पोस्टर्स की प्रदर्शनी है, जिसको गांधी म्यूजियम नई दिल्ली ने तैयार किया है। इसमें गांधी जी के जीवन के जो प्रमुख पड़ाव हैं, उन पड़ावों को शामिल किया गया है चित्र के माध्यम से और टेक्स्ट के माध्यम से, जिसको बच्चे पढ़ें और गांधी जी के विचारों को अपने जीवन में आत्मसात कर पाए। आगामी दिनों में भी फाउंडेशन के द्वारा कसरावत में कुछ ऐसी गतिविधियां की जाएगी, जिससे हम लोग गांधी जी के जीवन को और गहराई से और करीब से समझ सकें, और उनके द्वारा दिए गए संदेश जैसे अहिंसा, सत्य और इसका जो संदेश गांधी जी ने दिया है, इस संदेश को हम लोग आम जीवन तक लोगों तक पहुँचा सकें। आज का आधुनिक जीवन में बच्चे जो है मोबाइल या अन्य गेम के प्रति ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं, तो इस तरह की प्रदर्शनी लगाने से आपको उनके में कोई जागरूकता दिखी, लगा कि कोई उनका उत्साह इस तरफ किस तरीके से आपको रुझान दिखाई दिया बच्चों का? जी, जब सुबह यहाँ पर बच्चे आए थे और हम लोगों ने प्रदर्शनी लगाई, तो आप यकीन नहीं मानिएगा कि हमारे बिना बोले ही बच्चे इस प्रदर्शनी को पढ़ने लगे, और बहुत ध्यान से वो एक एक चीज़ को पढ़ रहे थे, हमसे कुछ प्रश्न भी कर रहे थे कि किस तरह से सर ये क्या है, ये रोडा जेल क्या थी। हम लोगों ने उनके जवाब भी दिए, और ऐसा लगता है कि ये जो पुरानी चीज़ें हैं इनको वापस लाया जाना बहुत ज़रूरी है। इसी दिशा में हम लोग अभी 14 अक्टूबर को कसरावत में एक कठपुतली वाला शो भी करने वाले हैं, और ये पपेट शो नई दिल्ली का एक ग्रुप कसरावत में करेगा, और इस पपेट शो में भी पूरे गांधी जी के जीवन के दर्शन होंगे। 52 मिनट का ये पपेट शो होगा, प्री रिकॉर्डेड, जो हम लोग बहुत जल्द 14 अक्टूबर को कसरावत नगर में करने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।